नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी का एक महीना पूरा होने पर विपक्ष मना रहा है ब्लैक डे। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर सांसदों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। सरकार ने पूछा, क्या काले धन के पक्ष में है विपक्ष? मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को एक महीना हुआ पूरा, लेकिन सामान्य नहीं हुए हालात। बैंकों और एटीएम के बाहर अब भी लग रही है लंबी कतारें। सरकार की सख्ती के बाद जनधन खातों में आई रकम में बड़ी गिरावट। पहले हफ्ते के मुकाबले चौथे हफ्ते में चौथाई तक पहुंची रकम। पहले हफ्ते में जमा हुए थे 20,000 करोड़ से ज्यादा के रुपए। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे का कहर। देश भर में 84 से ज्यादा ट्रेनें लेट। प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर लोग। हवाई यात्रा पर भी पड़ा बुरा असर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में -12 डिग्री पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड, झरने में बहने वाला पानी हुआ बर्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल में रहे अव्वल, लेकिन एडिटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को चुना पर्सन ऑफ द ईयर। और भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े में चौथा टेस्ट मैच शुरू। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इंग्लैंड की टीम। अभी तक भारत सीरीज में 2-0 से आगे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।